अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश चैनल आज हम बात करने वाले हैं द अनदर वीडियो अबाउट द डॉक्टर फॉस्टर्स दैट इज़ द डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो ठीक है अब हमने ट्रेजेडी तो पढ़ लिया कि ट्रेजेडी क्या होती है ये ट्रेजेडी प्ले किस तरह कहलाता है ये ट्रेजाइक प्ले किस तरह कहलाता है अब हम पढ़ने वाले हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है जो करेक्टर है डॉक्टर फॉस्टर्स का वो ट्रेजाइक हीरो की रिक्वायरमेंट्स किस तरह फुलफिल कर रहा है ठीक है अब मैं इसको ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन तो नहीं दे रही ब्रीफ एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही क्यों क्योंकि इसकी जो समरी है आप सब ने यूट्यूब भरी पड़ी है इनकी समरी से अब वहाँ पर जाके मेरा मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को समझाना है कि किस तरह ये रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं ठीक है और इसकी जो स्टेटमेंट्स जो कोटेशंस हैं वो आप इसमें ऐड करके इसको मोर लेंथी क्वेश्चन बना सकते हैं अब ट्रेजाइक तो हीरो के बारे में तो हम ट्रेजडी के बारे में तो बात करेंगे अब ट्राजाइक हीरो की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू इज टोटल तो जो ट्रेजाइक जो हीरो होता है वो एक नोबल पर्सन होता है ठीक है नोबल पर्सन इस तरह नहीं कि उसमें सिर्फ विचस्ट क्वालिटी पाई जाती है बैडनेस नहीं पाई जाती एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसमें जो कि नाम मुकम्मल एक नेक इंसान होता है और ना ही एक मुकम्मल विलन होता है ठीक है जिसका जो करैक्टर होता है ना वो इन दोनों क्वालिटीज़ के दरमियान वाला करैक्टर होता है ठीक है उसमें ए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी पाए जाते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी पाए जाते हैं ठीक है थीके? एक ऐसा इंसान जो कि मुकम्मल अच्छा इंसान भी नहीं होता और मुकम्मल जो है वो बुरा इंसान भी नहीं होता उसमें कुछ एरर्स पाए जाते हैं उसकी लाइफ में कुछ फ्लॉज आते हैं उसकी लाइफ में कुछ डाउनफॉल्स होते हैं उसकी अपनी किस्मत की वजह से आते हैं या उसकी अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से आते हैं उनके डाउनफॉल ठीक है अब यहाँ पे आप समझ लें कि दो चीज़ें हैं कि एक तो उसका डाउनफॉल या तो उसकी किस्मत की फेट की वजह से आता है और दूसरा डाउनफॉल जो भी उसका आता है वो उसकी अपने गलत फ़ैसलों की वजह से आता है ठीक है अपने उसके ड्रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आता है अब ये हो गई क्वालिटी ये हो गई रिक्वायरमेंट्स जाएक हीरो अब देखते हैं कि क्या क्रिस्टोफर मालो का जो ड्रामा है जो कैरेक्टर है डॉक्टर फॉस्टर्स वो क्या इस क्वालिटीज़ को फुलफिल करता है इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या क्या वो इस टाइक हीरो की डेफिनेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है या नहीं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल टोटल टाजाइक हीरो शुड बी अ पर्सन यहाँ पे अनदर एग्जांपल डेफिनेशन आ गई है जिसमें एक ग्रेट रेपूटेशन होती है एंड प्रोस्पेरिटी उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं ही मस्ट हैव ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर विच ब्रिंग्स डाउनफॉल विच ब्रिंक हिज डाउनफॉल ही शुड सफ़र फ्राम कॉन्फ्लिक्ट एंड मस्ट इंपॉर्टेंटली हिज डाउनफॉल शुड अवेक पिटी एंड फीयर अमंग द ऑडियंस वही बात आ गई कि इसके अंदर कुछ फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल आता है और ये डाउनफॉल की जो सिचुएशन होती है वही ऑडियंस में पिटी और फियर की फीलिंग्स लेके आती है ठीक है इफ़ वी गो थ्रू द रिस्टोटल थेरी वी विल फाइंड दैट द डॉक्टर फॉस्टो हैडेड आलमोस्ट ऑल द क्रिटेरिया रिक्वायर्ड टू बी ट्रेजिक हीरो किस तरह ये रिक्वायरमेंट वो पूरा क्रिटेरिया करता है देखते हैं डॉक्टर फॉस्टिस का ट्रेजिक फ्लो क्या था अकॉर्डिंग टू रिस्टोटल ट्रेजिक हीरो मस्ट हैव ट्रैजिक फ्लो इन हिज करेक्टर विच ब्रिंग हिज अल्टीमेट डाउनफॉल ट्रेजिक हीरो में एक ऐसा उसके फ्लॉ uh, आता है उस कैरेक्टर में जो अल्टीमेटली उसको डाउनफॉल की तरफ ट्रेजिडी की तरफ ले जाता है वी फाइंड डॉक्टर फॉर्टस हैज़ सीरियस फ्लॉ इन हीज़ कैरेक्टर हीज ही इज़ पफ्ड अप विद प्राइड एंड इंटेम्परेट एम्बिशन उसमें लाफानी ख्वाहिशात पाई जाती थी उसमें गुरूर पाया जाता था जो सेवन सीन्स हैं जो मेन मेजर सीन्स हैं वो इस इंसान में डॉक्टर फोस्टस में पाए जाते थे जो ऑटोमेटिकली उसको डाउनफॉल की तरफ ले गए ठीक है टू उसमें ऐसी प्यास पाई जाती थी नॉलेज की बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली जो है एम्बीशन पाई जाती थी कि उसको पूरी दुनिया का नॉलेज चाहिए था उसको पूरी दुनिया का एक ए, पावर चाहिए थी पूरी दुनिया का उसको सुपर ह्यूमन बनना था ठीक है ये इसकी एम्बिशन थी जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल आया और ये ट्रेजिक हीरो कहलाता है इस बेस पे ड्यू टू हिज प्राइड एंड एम्बिशन ही इज़ डिसअपॉइंटेड विद ऑल द ब्रांच ऑफ लर्निंग डैट हैज़ मास्टर सो फॉर इसने इस जो ख्वाहिश थी कि दुनिया का पूरी दुनिया का इलम हासिल करने की उस उस ख्वाहिश की वजह से इसने तमाम जो भी दुनिया का इलम था जितनी भी डिग्रीज थी उसमें पीएचडी कर ली हुई थी मास्टर्स हासिल कर ली मास्टर बन चुका था उनमें फ़िज़िक्स में डिवानिटी में लॉ में फ़िलासफी में अल्टीमेटली कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली इसने ट्वेंटी थ्री डिग्रीज़ में पी की हुई थी ठीक है जो ट्वेंटी थ्री सब्जेक्ट्स हैं उसमें पीएचडी की हुई थी इन्हों you know, इसने ठीक है अब ये ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी एट एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन इसमें ही इन्होंने ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी एट सब्जेक्ट्स में पीएचडी की हुई थी ही टुक अ डेंजरस स्टेप टू रन हिज एस्पायरेशन अपने आप को उसने और इलम हासिल करने एक बहुत बड़े डेंजरस स्टेप में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया टू गेन सुपर ह्यूमन पावर इंसान पूरी दुनिया की पावर हासिल करने के लिए एक सुपर ह्यूमन बनने के लिए डिसाइड टू सेल हिज सोल टू लूसीफर लूसीफर इज कॉल्ड सैटन टू एक्सरसाइज द ब्लैक आर्ट ऑफ नेक्रोमेंसी ऑफ़ नेक्रोमैंसीऑफ ऑफ़ लाइफ ऑफ ट्वेंटी फोर ईयर्स इसने अपने चौबीस साल साला एक पैक्ट लिखा जिसमें ये लिखा था लूसीफर को कि इसने अपनी सोल जो है वो चौबीस साल के बाद सैटन को सेल कर दी है ठीक है अब चौबीस साल के बाद ये आए लूसीफर या सैटन या इसके कोई भी ये आगे जो इसके फॉलोअर्स होते हैं वो आए और इसकी रुआ के लिए जाए ठीक है और इसके बदले इसको क्या चाहिए था दुनिया का नॉलेज दुनिया की फेम एक सुपर ह्यूमन पावर ठीक है ये तमाम चीज़ें इसको चाहिए थी शोहरत इज़्ज़त दौलत ये तमाम चीज़ें जो कि दुनियावी चीज़ें हैं वो इसको चाहिए थी इसकी बेस पे इसने तमाम नॉलेज हासिल कर लिया था लेकिन इस अब ये दुनिया का नॉलेज हासिल करने के बाद अब ये ब्लैक आर्ट में हो गया था शैतानी इलम हासिल करने जादू इलम हासिल करने के लिए भी इसका जो है मतलब इसके दिल में ये भी था कि मैंने दुनिया में इलम हासिल कर लिया है लेकिन अब क्या है अब मुझे कुछ और इलम हासिल करना जो, चाहिए जो कि इन सब से हटके हो जो कि दुनिया का नहीं हो जादू का हो तो ये निमरोलॉजी में या मैजिकल जितने भी स्टडीज़ होती हैं उनमें फंस चुका था और उसके लिए इसने सैटन से एक पैक्ट किया कि वो अपनी सोल जो है वो उसको फेल कर देगा ही डिस्कार्ड गॉड एंड डिफाइल और रिलीजन एंड मॉटल मॉरल प्रिंसिपल्स अब उसने क्या किया जब सोल अपनी सैटन को सेल कर दी तो क्या हुआ पैक्ट हो गया इसका मतलब था उसने रिलीजन के साथ इकदारी की है ठीक है रिलीजन से मुँह मोड़ लिया है अब रिलीजन उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करता था सिर्फ दुनिया के लिए उसने गॉड को छोड़ दिया वो भी अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशात को फुलफ़िल करने के लिए उसने एक कदम उठाया था अब बात यहाँ पे आती है किस तरह इसने अपना जो है वो पैक्ट साइन किया ये पैक्ट साइन हमारी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता यहाँ पे कि हमने साइन की ओर साइन हो गया नहीं यहाँ पे ब्लड के साथ उसको पैक्ट को साइन करने पड़ता है अपने सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को अपने अपना जो ब्लड होता है उसके साथ वहाँ पे सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं ठीक है जो कि सैटन के साथ पैक्ट करने की एक रूल है वी फाइंड हिम डिक्लेयर फिलॉसफी इज ऑडिशियस एंड एब्सक्योर बोथ लॉ एंड फिजिक आर फोर पिटी डिविनिटी इज बेस्टेस्ट ऑफ थ्री बेस ऑफ थ्री अनप्लेंट हार्श कॉन्टिपिल एंड फाइल था दिस मैजिक मैजिक दैट हैथ रेविस्ट मी अब ये नॉलेज दुनियावी नॉलेज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बोलता है वह ये कहता है अगर हम एक्ट वन इसका देखें सीन वन एक्ट वन में ही ये बोलता है कि फ़लसफा एक मकर फहम है कानून जो है और जो फिज़िक्स है ये दोनों झूठी अकल के लिए हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है जो डिवेनिटी है ये तीनों में सबसे बड़ी है नाखुशगवार सख्त हकीर और घटिया ये जादू है ये जादू है जिसने मुझे हैरान कर दिया यानी कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट वो बोलता है कि मुझे किसी ने इतना इलम नहीं दिया सिर्फ मैजिक है जिसने मुझे हैरान कर दिया कि मैजिशंस के पास या मैजिकल वर्ल्ड में कितना नॉलेज है क्योंकि दुनियावी वर्ल्ड में जैसे फ़िलासफ़ी लॉ डिवेनिटी ये डिवेनिटी रिलीजन के साथ बिलीफ जो है लिंक रखती है ठीक है रिलेट करती है तो ये कहते हैं इन तीनों चीज़ों ने मुझे सुकून नहीं दिया इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो थी ना वो बेस्ट थी वो डिवनिटी थी जो बड़ी थी लेकिन इसमें भी क्या था आ, मुझे खुशी नहीं मिली ये सख्त हकीर और घटिया है ठीक है लेकिन जो सिर्फ मैजिक है जिसने मुझे खुश किया जिसने मुझे वो इल्म दिए जिसने मुझे वो फेम दी वो पर्सनैलिटी वो बनाया जिसने मुझे वो दौलत दी जिसका मैं ख्वाहिशमंद था ठीक है ये हो गई ट्रेजिक ट्रेडिक कि इसने किस तरह खुद को अपने ही हाथों से अपने आप को जो है वो शैतान को अपनी सोल्स जो है सोल सेल कर दी और अपने आप को खुद ट्रेजी ट्रेजडी की तरफ किस तरह लेके जा रहा था किस तरह डाउनफॉल की तरफ उसके कदम पड़े थे अब डॉक्टर फॉस्टस में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है अपने अंदरूनी जंग वो लड़ता है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूसरी रिक्वायरमेंट है ट्रेजिक हीरो की हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉस्टस जो है ये इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है अपने अंतर ही जंग लड़ रहा है एक हिज़ चॉइस ऑफ नेक्रोमेंसी यानी कि जादू की ख्वाहिश जादुई जादुई नॉलेज हासिल करने की ख्वाहिश मेड आफ्टर इनर कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह बनी अंदरूनी जंग शु, शुरू होने की जब इसने ये शैतान को शैतान के साथ ये अम, पैक्ट साइन कर लिया तो इसके अंदर में एक जंग शुरू हो गई कि मैंने सही किया है या नहीं किया दैरेंट्स ऑफ द गुड एंजल एंड इवल एंजल इज़ परसोनिफिकेशन ऑफ हिज इनर इम्पल्स अब आप, आपने देखा होगा कि इससे गुड एंजल भी मुखाब होता है बैड एंजल भी मुखातिब होता है ये दोनों साइन है कि अपने अंदर एक जंग लड़ा है उसको पता ही नहीं है कि इसको एक्जैक्टली exactly करना क्या है हिज कन्वेंशनल हार्ट इज अ पोज टू सेल्फ डेमिनेशन एंड दिस इज क्लियरली हिंटिड वेन हिज ब्लड कोंगीज प्रोसीड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ब्लड जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था ना तब उसके पास दो एंजल्स आए थे एक बैड एंजल आया था और एक गुड एंजल आया था ठीक है तो वहाँ पे बड़ा अच्छा कौन सीन हमें नज़र आता है कि बैड एंजल कहता है कि मत करो बैड uh, एंजल कहता है कि करो साइन करो तुम्हें दौलत मिलेगी तुम्हें शहरत मिलेगी तुम्हें इल्म मिलेगा जो तुम चाहते हो वो तुम मिलेगा तुम्हें सुपर ह्यूमन की पावर मिल जाएगी लेकिन बैड एंजल गुड एंजल कहता है कि तुम ऐसे मत करो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फ़ानी हैं ठीक है ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगी देख तुमने जो साइन कह रहे हो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा सिर्फ चौबीस साल का कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद तुम मर जाओगे फिर क्या करोगे तुम्हारी रू तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाएगा और तुम फिर क्या करोगे तो इसी के अंदर एक जंग लड़ा है जिस जो कि हमें नजर आता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है बट ही इग्नोर वार्निंग एंड कम्प्लीट टू स्क्रोल अब वो वाइट जो गुड एंगल है उसकी वार्निंग को वो इग्नोर करता है और उस साइन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है एज टाइम रोल्स ऑन ही बिकम मोर एंड मोर डिस्यूअ जैसे टाइम गुजरता जाता है वो मकर वो में फंसता जाता है उसका टाइम खत्म हो रहा होता है एंड द ग्रोइंग सेंस ऑफ लॉस एंड वेज ऑफ द डेमिनेशन बींग टू थिंक है अब उसकी ख़त्म होने की जो सेंस uh, होती है उसको महसूस हो रहा होता है कि टाइम गुजर रहा है मेरा नुकसान हो रहा है मेरी मौत करीब आ रही है चौबीस साल गुजरने को हैं ये कॉन्फ्लिक्शन जो है ये सेंसेस जो हैं ये फीलिंग्स इमोशंस इमोशन् पिटी और फियर की फीलिंग्स लेके आती हैं इमोशनल फीलिंग्स कैथारसिस हमारशिया यहाँ पे शो होता है जिसमें वो सब कुछ ख़त्म कर रहा होता है उसको उसकी आंखों के सामने टाइम गुजर रहा होता है पूरी पेंटेस्ट रहता है लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता और सब कुछ ख़त्म हो जाता है ये कॉन्फ्लिक्शन हमें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है अब पिटी और फियर की फीलिंग्स यहाँ कहाँ पर वॉक होती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स द सफरिंग ऑफ ट्रेजिक ट्रेजाइक हीरो शुड अ वॉक द पिटी एंड फियर अमंग द ऑडियंस अब जब इस अगर हम उसको तड़पता देखते हैं रिपेंट वो अपने यहाँ डिपेंडेंस करता है वो अपने गुनाह कबूल करता है गॉड के सामने लेकिन कुछ भी नहीं होता तब हमें हमारे अंदर पिटी और फियर की फीलिंग्स आती हैं ऑडियंस के अंदर कि अब इसके साथ क्या होगा अब ये मर जाएगा अब सैड हो जाते हैं जो पी ऑडियंस होती है ना इन फीलिंग्स को लेके वी फाइंड द दस्टस्ट डाउनफॉल पी एंड फियर को वॉक करता है एज अ पार्ट ऑफ ऑडियंस वी फील सम ऑफ कनेक्शन विद हिम ऐसी ट्रेडी ऐसी ट्रेजडी ऐसा अच्छा प्ले जिसके साथ ऑडियंस कनेक्ट जब हो जाती है तब ऑब्वियसली वो उसको अब उस करैक्टर का एक पार्ट बन जाती है उस प्ले का एक पार्ट बन जाती है उस प्ले का पार्ट बन के ही वो उस पिटी और फ्री की फीलिंग अपने अंदर लेके आ रही होती है और यही एक बेस्ट प्ले की निशानी होती है ही मेक सेवरल मिस्टेक विच एनी मैन कैन डू ही वॉन्ट टू गेन मोर नॉलेज ऑब्वियसली विच इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन ह्यूमन नेचर वी सेम्पथसाइज विद हिम एज हिज फीलिंग आर सिमिलर टू अदर ह्यूमन बींग वी सेम्पथाइज विथ हिम एट द एंड ऑफ द ड्रामा वैन इट कम फॉर अर फेयरवेल टू सी सोल एंड ही अपील टू गॉड फॉर मर्सी हमारी फीलिंग्स के साथ क्योंकि ये एक नेचुरल बात है एक ह्यूमन जो है वो आ, बार बार बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि उसके पास इलम हो मोर एंड मोर की तलाश में वो अब रहता यह एक नेचुरल बात है लेकिन एट द एंड जब वो अपनी सोल उसकी सोल जाने वाली होती है सेटन के साथ पैक्ट उसका पूरा हो चुका होता है तब वो गॉड के साथ रिपेंटेंस गॉड के सामने रिपेंट कर रहा होता है और मर्सी के लिए भीख मांग मांग रहा होता है और कह रहा होता है ओ गॉड इफ दो विल नॉट हैव मर्सी ऑन माई सोल येट फॉर क्रिस सेक whose ब्लड hath रेजमेंट मी इम्पोज सम एंड टू माई इंसेंट pain. यहाँ पे वो डॉक्टर एक, एक्ट फाइव सीन थ्री में बता रहा होता है जब मर्सी चाह रहा होता है गॉड से तब वो कहता है कि ए मेरे गॉड इफ टू विल नॉट हैव मर्सी ऑन माई सोल अगर तुम मेरी रूह पे मर्सी नहीं करोगे रहम नहीं करोगे येट फॉर क्राइस्ट सेक यानी कि जो गॉड हैं जीसस क्राइस्ट उसके वास्ते उसके लिए हुज ब्लड हैथ रिजम्ड मी सम एंड टू माई पेन कुछ ऐसा करो कि मेरी दर्द जो है वो कम हो जाए उस खून का वास्ता जो कि हजरत ईसा सलाम ने हम क्रिश्चियंस के लिए जो है बहाया है ठीक है उस गॉड क्या उस उनको वास्ता देता है कि मेरी रूह को बाकी दो मेरे लिए मदद करो मेरी तकलीफ़ को कम करो कुछ ऐसा करो कि मेरी तकलीफ़ जो है कम हो जाए या अगर मुझे नहीं बचा सकते तो ऐसा करो कि एंड मेरे जो एंड टाइम है तब मुझे तकलीफ़ ना हो ठीक है अब कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है हमारी सारी फिल जो रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रजाइक हीरो की वो यहाँ पे फुलफिल हो चुकी हैं अब कंक्लूजन क्या है द मेजर क्राइटेरिया जो था क्राजिक हीरो का एज सजेस्टेड बाय रिस्टोटल डॉक्टर फॉस्टर्स कैन बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द ग्रेट ट्रजाइक हीरो तो ही इज़ नॉट हेल्ड फ्रॉम एनी रॉयल फैमिली ठीक है ही रिच इज द हाइएस्ट पोजिशन ऑफ द ऑनर थ्रू हिज लर्निंग वो कोई भी फैमिली रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था वो उस हाईएस्ट uh, पीक पे अपने नॉलेज की वजह से पहुंचा था अपनी मेहनत की वजह से पहुँचा था अपनी लर्निंग की वजह से पहुँचा था ही सफर्स फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट ठीक है ही हैज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर एंड द फ्लॉ ब्रिंग हिज अल्टीमेट डाउनफॉल फाइनली हीज़ डाउनफॉल ऑफ विकपिटी एंड फीयर फीलिंग्स अमंग द ऑडियंस दियर फॉर डॉक्टर फॉसिस इज़ अ ग्रेट डाइक हीरो पर हमारी वीडियो का एंड होता है आई होप यू ऑल का इथ इंजॉय दुआ में कैंड डू नॉट फिगर टू सब्सक्राइब अर चैनल फॉर वॉर अपडेट थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़